आज भाई कमांडो भीमाराम भाकर जी की इस मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में पधारे क्षेत्र के आसपास के जनप्रतिनिधिगण मंच पर आसीन पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी लाडमोर से विधायक बड़े भाई मुकेश जी भाकर डीडवाणा से विधायक श्रीमान चेतन जी डूडी जालाराम जी भाकर पूर्व प्रधान मोलासर और मेरे सामने विराजमान माताएं बहने और बड़े बुजुर्गगण आज इतनी बड़ी संख्या में पधार के कमांडो भाई भीमाराम जी भाकर को श्रद्धांजलि देने के लिए अपन सब लोग आए, ये अपना सौभाग्य है। ऐसे जवान जो प्रदेश के लिए देश के लिए चाहे पुलिस में हो चाहे सेना में हो रात दिन मेहनत करके अपन लोगों की सुरक्षा के लिए अपन लोगों के चैन अमन के लिए वो अपनी ड्यूटी निभाते हैं, वो ना अपने परिवार को देखते हैं ना अपने सुख सुविधाओं को देखते हैं, बल्कि पहला कार्य वो यही करते हैं कि किस प्रकार से मेरे देश और प्रदेश के लोगों का सुरक्षा कर सके, उन लोगों को सुरक्षित रख सके, उसके लिए चाहिए उन लोगों को अपनी जवानी के अंदर जान गंवानी पड़े चाहे अपना जीवन अपन लोगों के लिए कुर्बान करना पड़े। तो साथियों ऐसे लोगों के लिए अपने को हमेशा उनके परिवार के लिए उन लोगों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि तब मिलेगी जब उन परिवार के गांव के लोगों को उस जवान की कमी महसूस नहीं होने दें, क्योंकि ज्यादातर किसान परिवारों से लोग पुलिस में जाते हैं सेना में जाते हैं। इस देश का गौरव है, इस देश की ताकत है जवान और किसान। आदरणीय मलिक साहब तो किसानों के लिए जवानों के लिए गांव गांव घूमते हैं, आज इस उम्र में भी तबीयत अच्छी नहीं रहती है फिर भी कार्यक्रमों में जाते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, किसानों के लिए आवाज उठाते हैं, उनको मजबूत करते हैं। तो अपन लोगों को सीखना चाहिए कि यदि इस उम्र में भी ये हमारे लिए कार्य कर रहे हैं तो जवान और किसान के लिए अपन लोगों को हमेशा तैयार रहना चाहिए। मेरी तो छात्र संघ अध्यक्ष जब मैं बना था मेरी जीत मैंने किसानों के नाम ही अर्पित की थी। भाई मुकेश जी ने हमेशा मुझे आज से 10-12 साल पहले जब मैं जयपुर गया था तब से लेकर अब तक चाहे कहीं भी मेरे को जरूरत पड़ती है एक मजबूती की एक ताकत की तो हमेशा एक बड़े भाई की तरह एक पिता के रूप में हमेशा मजबूती से साथ खड़े रहते हैं। नहीं तो जहां भी बात आती है समाज की जिले के लोगों की राजस्थान की राजनीति के अंदर तो लोग या तो अपने बेटे बेटियों को आगे करते हैं या खुद आगे आते हैं किसी और को आगे नहीं आने देते हैं। उस प्रदेश के सबसे बड़े विश्वविद्यालय के अंदर मैं जब नेतृत्व करने की मैंने शुरुआत की थी जब कोविड जैसा समय चल रहा था उस समय मैंने आप लोगों के आशीर्वाद से किसान परिवार से मजदूर परिवार से आने वाले भाइयों बहनों के लिए राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर उनकी मजबूती के लिए उनके शिक्षा के आधार को मजबूत करने के लिए मैंने वहां कार्य किया। जब मैं चुनाव लड़ता था तो चाहे लाडनू विधानसभा हो चाहे डीडवाना हो चाहे कुचामन हो चाहे नागौर में किसी भी जगह के मेरे युवा साथी जब मेरे को जरूरत पड़ी थी जब मेरा कमजोर समय था तो मेरे साथ मजबूती से वहां खड़े थे। तो वो प्यार और प्रेम मैं कभी भूल नहीं सकता। आज जहां भी मेरे युवा साथियों को मेरी जरूरत पड़ती है
मैं मजबूती से पूरी ताकत से उन लोगों की आवाज बुलंद करने के लिए मैं हमेशा उनके साथ खड़ा रहता हूं। नागौर जिले का कोई भी मेरा युवा साथी भाई या बहन मेरे पास उम्मीद लेके आते हैं, हमेशा मैं उनकी समस्याओं का समाधान करने का कार्य करता हूं। मैं पहले भी जो मेरे युवा साथी शिक्षा लेने के लिए राजस्थान के सबसे बड़े विश्वविद्यालय में आते थे, उनको कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई भी समय यदि जरूरत पड़ती थी तो मैं हमेशा उनके साथ खड़ा रहता था। उसी का परिणाम था कि मेरे को बिना किसी पार्टी से, बिना किसी बड़े परिवार से आने के बावजूद भी मेरे को सबसे ज्यादा वोटों से विजयी बनाया। उस दिन मैंने ठान लिया था कि जीवन के अंदर ईमानदारी से इन युवा साथियों की मजबूती के लिए, इनके सुनहरे भविष्य के लिए कार्य करना है, क्योंकि जब युवा साथियों का भविष्य सुनहरा होगा इस देश और प्रदेश की मजबूती उन युवा साथियों के कंधों पे ही है, तो युवा साथी किस दिशा में जाते हैं, उनके सपने कितने साकार होते हैं, उनके लिए कार्य करने का धर्म सभी नेतृत्व करने वाले नेताओं का बनता है, तो पूर्ण ईमानदारी के साथ हमेशा में किसान और जवान के बच्चे वहां आते हैं, उनके सपनों को कैसे साकार किया जा सकता है उसके लिए हमेशा कार्य करता हूं। आज जालाराम जी ने यहां मुझे बुलाया, आप लोगों के बीच में इतना आशीर्वाद मिला, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं और आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आप अपना अमूल्य समय निकाल के एक जवान को अपनी उसकी कुर्बानी को याद करते हुए उसके मूर्ति अनावरण में श्रद्धांजलि देने के लिए आप सब लोग पधारे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।